जब अयोध्या का केस चल रहा था, कांग्रेस के नेता राज्यसभा के सदस्य सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि 2019 तक केस मत चलाओ, क्योंकि 2019 तक कई चुनाव है। क्या भाइयों बहनों, देश के न्याय तंत्र को इस प्रकार से राजनीति में घसीटना उचित है क्या? क्या देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्वीकार करना चाहिए नहीं करना चाहिए? उन पर इस प्रकार का दबाव डालना चाहिए क्या? लेकिन कांग्रेस के लोग बेशर्मी के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये कहने की हिम्मत करते हैं, फिर भी जब उनकी बात नहीं चलती है तो मैं एक गंभीर आरोप लगाना चाहता हूं। अब उन्होंने नया खेल शुरू किया है और नया खेल ये शुरू किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज उनके राजनीतिक इरादों के अनुसार न्यायपालिका का समय पत्र नहीं बनाता है, टाइम टेबल नहीं बनाता है, अयोध्या जैसे गंभीर संवेदनशील मसलों में सुप्रीम कोर्ट अगर संवेदनशीलता के साथ देश को न्याय दिलाने की दिशा में सबको सुनना चाहती है तो उसमें रोड़े अटकाने के लिए जब कोर्ट में फेल हो जाते हैं तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के जो वकील कांग्रेस ने राज्यसभा में बिठाए हैं वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों के खिलाफ इम्पीचमेंट लाकर के उनको डराने धमकाने का नया खेल शुरू किया है।